प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th के सिलेबस के बारे में। पूरा सिलेबस क्या है इसको एक नजर में देखेंगे और एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। साथ में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि आप हमारे चैनल से किस प्रकार से जुड़ेंगे और कैसे आपकी क्लासेस मिलेंगी, किस प्रकार से आप अपने क्लास को पढ़ लेंगे, किस प्रकार से अपनी तैयारी करेंगे और 70 में 70 नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो आप सब में से जितने लोग यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या आपके घर में कोई पढ़ने वाला है, तो आप जरूर उन तक ये वीडियो शेयर करें और उनसे जरूर कहें कि यह वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्लास उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार का टारगेट है 70 में 70। पूरा 70 में 70 चाहिए, उसमें कोई भी डाउट नहीं, 100% हमें रिजल्ट चाहिए और उसके साथ कोई डाउट की बात नहीं करनी, ठीक है। जुड़ने के लिए हमने कल एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था बैच बैच के पैटर्न के बारे में। अगर आप नहीं देखें जाकर के देखिए। बैच का नाम रखा गया है पीके बैच, यहीं पे कहीं होगा, पीके बैच नाम से रखा गया है, ठीक है। तो इस बैच में आपको एंट्री लेना है, आपको 88 87 97 43 95 नंबर पे व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद आपको अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके, पीके बैच लिख करके आपको मैसेज कर देना है। इस मैसेज करने के बाद आपको जो है पेमेंट की प्रोसेस बता दी जाएगी। पेमेंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी ऑनलाइन माध्यम से इसी पे पेमेंट कर देना है। इस नंबर पे किसी भी ऑनलाइन माध्यम से आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट करने के लिए 299 रुपए, यानी आप मान चलिए कि 300 रुपए, वही 300 रुपए आपको पे करना है, जिसमें आपकी सभी क्लासेस हैं, टोटल पूरे सिलेबस की क्लास है, नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ आपको दिया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 5 मॉडल पेपर, आपका टेस्ट, ये सभी चीजें इसमें शामिल हैं। टेस्ट, मॉडल पेपर, ये सभी चीजें आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी दी जाएंगी और ट्विटर के और आपको जो है टेलीग्राम के माध्यम से भी दी जाएंगी। अभी आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहां से जुड़ जाएं। जो लोग अभी रजिस्ट्रेशन करते हैं 15 अप्रैल तक वालों को एक लाभ मिलेगा। नेक्स्ट ईयर जब आपका CUET एग्जाम देने का वक्त आएगा तो आपको एक रेफरेंस कोड दिया जाएगा, जिस रेफरेंस कोड से आप हमारे साथ जुड़ करके इसकी भी तैयारी आप निःशुल्क कर सकते हैं। यानी पूरे एक साल की प्रोसेस है, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल तक की, और एक महीने के अगर चार्ज की बात करते हैं तो मुझे लगता है 25 × 12 25 रुपए चार्ज देकर के आप एक महीने में इंक्लूड हो सकते हैं, एक महीने की पूरी प्रक्रिया जुड़ सकते हैं। लेकिन पेमेंट आपको पूरा करना है 300 रुपए, यानी 25 रुपए में पढ़ाई किसी भी कहीं पे भी 25 रुपए फीस नहीं रखी गई है। इससे सस्ती फीस शायद कहीं होगी, या तो फ्री होगा या तो इससे सस्ती फीस कहीं नहीं होगी, ठीक है। तो ये सबसे सस्ती सबसे सुलभ बैच आपके लिए अवेलेबल है, पीके बैच। आप जरूर जुड़े, अपने मित्रों को जोड़े। चलिए आज का हम डिस्कशन शुरू करते हैं और आज की टॉपिक हमारी है, बताइए, आज हम लोगों को सिलेबस डिस्कस करना है। आपने क्लास 11th की जब बात कर रहे थे हम लोग, तो उस समय क्लास 11th में आपने जो पढ़ाई की थी आप 5 यूनिट का सिलेबस आप पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। मई के दूसरे सप्ताह में, चूंकि अभी जो आपका नीट का बैच है, हमने नीट का बैच स्टार्ट किया था और उसमें पेड बैच में जो बच्चे जुड़े हुए हैं उसके वीडियो आपके पब्लिक नहीं है और वह वीडियो अभी चल रहे हैं, तो हम थोड़ा सा नीट के बैच में बिजी, जिसकी वजह से नीट का जो बैच है वह बैच आपका नया बैच स्टार्ट किया जाएगा 10 मई से, और 10 मई से जो बैच स्टार्ट होगा वह नीट फाउंडेशन के नाम से स्टार्ट होगा। उसमें जुड़ने वाले वो इंग्लिश मीडियम में होगा। क्लास 11th क्लास 12th का दोनों बैच आपको पढ़ाया जाएगा। क्लास 12th में जो CBSE वाले हैं वह भी निश्चिंत रहे, चूंकि उनका बैच भी वहीं से स्टार्ट किया जाएगा, चूंकि अभी दो एग्जाम है, एक CUET का एग्जाम है उस पर भी हमारा फोकस है और दूसरा एग्जाम जो है वो एग्जाम आपका नीट का है, तो दोनों एग्जाम के फोकस के नाते थोड़ा सा डिले है और ये बैच स्टार्ट होगा। हालांकि यूपी बोर्ड का बैच आपका स्टार्ट कर दिया जाता है, चूंकि इसका बैच अभी कहीं पे शुरू नहीं था इसलिए इसको स्टार्ट कर दिया गया। एक एक करके आपको हम पूरे सिलेबस पैटर्न को बताएं, उसके पहले आपसे एक छोटी सी जानकारी हम चाहते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने मित्रों को शेयर जरूर करिए, और जितने भी आपके क्लासमेट हों, ठीक है, कोचिंग मेट हैं, जितने भी लोग आपके परिचित हैं उनसे बताइए कि क्लासेस आपकी चल रही हैं और क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल हैं। क्लास 11th की बात करें, क्लास 11th में हम लोग 5 यूनिट पढ़ चुके हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ, इनकी चर्चा हम लोग क्लास 11th में कर चुके हैं, और यूनिट 5 इनकी चर्चा हम लोग क्लास 11th में कर चुके हैं। क्लास 12th की NCERT जब आप देखेंगे तो आप यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट
एट और यूनिट नाइन, यूनिट नाइन और यूनिट टेन आपको मिलेंगे। एक क्लास ट्वेल्थ में आपको पांच यूनिट पढ़नी है। अगर इन यूनिट की बात कर लें, क्लास ट्वेल्थ की हम लोग बेसिकली बात करेंगे, और जब क्लास ट्वेल्थ की बात कर लेंगे तो एक सेकेंड, क्लास ट्वेल्थ की अगर हम बात करें तो क्लास ट्वेल्थ में आपका जो सिलेबस है, पहली यूनिट का नाम है आपके रिप्रोडक्शन यानी जनन। पहली यूनिट को अगर हम बात करें तो इसका नाम है जनन। दूसरे यूनिट का नाम ले अगर तो दूसरे यूनिट का नाम हो जाता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। दूसरे यूनिट का नाम क्या है? जेनेटिक्स और इवोल्यूशन है दूसरी यूनिट आपकी, आनुवांशिकी और विकास, इसे कहते हैं जेनेटिक एंड इवोल्यूशन या आनुवांशिकी। और दूसरा मतलब और जेनेटिक एंड इवोल्यूशन तथा विकास। थर्ड यूनिट की बात कर लें तो थर्ड यूनिट का नाम है आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर यानी बायोलॉजी मनुष्य के उपयोग में, ठीक है। तो आपको बताना तीसरी यूनिट जो आपका है, तीसरी यूनिट का नाम है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। जीव विज्ञान और मानव कल्याण, जीव विज्ञान और मानव कल्याण। यूनिट नंबर फोर की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट नंबर फोर, एक एक मिनट ध्यान से सुनते जाइएगा, यूनिट नंबर फोर है जैव प्रौद्योगिकी और उनके अनुप्रयोग। जैव बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके अनुप्रयोग एवं उनके अनुप्रयोग। लास्ट यूनिट जो आपकी यूनिट नंबर टेन है उसका नाम है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ये आपके यूनिट्स हैं। इन्हीं पांच यूनिट को हमको पढ़ना है। हमारे सिलेबस में 2022-23-24 की अगर बात करें तो यूपी बोर्ड का सिलेबस तो अभी नहीं आया है। 2023 और 24 की बात करें तो यूपी बोर्ड का सिलेबस अभी तक आपके बोर्ड की वेबसाइट पे अपडेट नहीं है, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड अपना सिलेबस देता है उसी सिलेबस को यूपी बोर्ड बाद में कॉपी करके देता है, यानी दो एक दिन में आपको पीडीएफ के रूप में वो सिलेबस मिल जाएगा, यूपी बोर्ड की साइट पे आ जाएगा, अभी आया नहीं। जो सीबीएसई अपना सिलेबस देता है सेम सिलेबस यूपी बोर्ड भी अपना देता है और वही सिलेबस हमारे यहाँ उपयोग में लाया जाता है। सीबीएसई 2023-24 की अगर बात करें, 2023-24 की बात करें तो उसका सिलेबस पब्लिक हो चुका है, यानी सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है, और उस सिलेबस की हम लोग अगर बात कर लें तो उस सिलेबस आपके सामने कुछ यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक। तो उसके सिलेबस को भी हम लोग एक बार चर्चा में लाएंगे और उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अगर इस यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन की, तो ये जो है हमारे लिए 16 नंबर, इसका 16 मार्क का ये है। दूसरा है आनुवांशिकी और विकास, इसका जो मार्क है ये टोटल 20 नंबर का चैप्टर होता है। जीव विज्ञान और मानव कल्याण 12 नंबर का है, 12 नंबर का आपका अगला है और 10 नंबर का है। अगर हम ध्यान से देखें तो आपका 70 नंबर पूरा हो जाता है, यानी यहां से आपको 70 नंबर मिलने वाले हैं। 16 नंबर आपको जनन की टॉपिक से मिलेगा, आनुवांशिकी तथा विकास से आपको मिलते हैं कितने नंबर, तो आप कहेंगे 20 नंबर। जीव विज्ञान और मानव कल्याण से आपको मिलता है 12 नंबर, और 12 नंबर का पेपर आता है जैव प्रौद्योगिकी और उनके अनुप्रयोग से, और 10 नंबर में आपका पूरा पर्यावरण आता है, यानी तीन चैप्टर आपके 10 नंबर के अंतर्गत आते हैं। एक नजर यहां पे डालेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। पहली यूनिट को समझते हैं, पहले यूनिट नंबर 6 की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं जनन। इसके अंतर्गत तीन चैप्टर रखे गए हैं और पहले चार चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन एक चैप्टर निकल गया है। अब चैप्टर की संख्या कितनी है? तीन। पहले जो चैप्टर हुआ करता था, पहले चैप्टर का नाम हुआ करता था जीवों में जनन। अभी भी आपके पास अगर पुरानी किताब होगी तो उस किताब में आप देखेंगे कि आपको एक चैप्टर दिया होगा जीवों में जनन। आपको बता दें कि अगर आप सही में तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास एक किताब होनी आवश्यक है, और उस किताब का नाम है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बुक आपके पास होनी चाहिए,
बाकी सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर सब कुछ प्रोवाइड होगा, लेकिन एनसीईआरटी आपके पास रहनी चाहिए। तो पहला चैप्टर हुआ करता था जीवों में जनन, जो कि इस समय निकल चुका है। कौन? जीवों में जनन, यह चैप्टर आपका कोर्स से निकाल दिया गया है, अब ये कोर्स में नहीं। दूसरे चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसे हम कहते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। दूसरा चैप्टर होता है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और थर्ड चैप्टर की बात करें तो यहां कहते हैं मानव जनन के बाद तीसरा चैप्टर हो जाता है जिसका नाम है जनन यौन स्वास्थ्य। ये तीन चैप्टर इस बार एडेड हैं और इन तीन चैप्टर्स आपको मिलता है 16 नंबर। जो चैप्टर आपका 4 अप्रैल से जिसकी क्लास आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, चूंकि कल मैंने आपसे बताया था ट्यूजडे से सैटरडे तक आपको क्लास मिलती, तो जो क्लास कल से आपको मिलनी शुरू होगी, मतलब 4 अप्रैल से मिलनी शुरू होगी, पहली क्लास आपको मिलेगी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यूनिट नंबर सेकंड की, यानी यूनिट नंबर सेकंड जिसका मतलब है कि यूनिट नंबर 6 की बात की जा रही है, क्लास 12th की सेकंड और टोटल कोर्स की 6 यूनिट की बात करेंगे, तो यहां पे आपके चैप्टर रखे गए हैं वंशानुगत और विविधता, आनुवंशिकी पदार्थ की खोज, जीन अभिव्यक्ति और विनिमय, विकास, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के प्रमाण और जैव विकास के सिद्धांत, यानी टोटल 4 चैप्टर रखे गए हैं इसमें। अगर इसकी बात कर लें तो इसमें चैप्टर के नाम है आपके कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक। दूसरा चैप्टर रखा गया है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन। 3 चैप्टर रखे गए हैं किसमें, इसमें, इस यूनिट को जो पढ़ना शुरू करेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। 3 चैप्टर के बाद जीव विज्ञान और मानव कल्याण में अगर बात करें तो यहाँ पे आपके यूनिट के नाम है जीव विज्ञान और मानव कल्याण में कितने चैप्टर है, सिर्फ 2 चैप्टर है और आपको नंबर कितना मिलता है 12 नंबर, यानी 6 नंबर का ये भी है, 6 नंबर का। अगर ध्यान से देखें तो 5 या 6 नंबर की वैल्यू सभी चैप्टर की है, लेकिन इस चैप्टर को छोड़ करके, लास्ट यूनिट को छोड़ करके, फिर यहां आप देखें तो 6 नंबर की वैल्यू पर चैप्टर है, चूंकि 2 चैप्टर यहां पे है। और यहां पे देखेंगे तो यहां पे आपके आ जाते हैं 3 चैप्टर शायद होंगे, इकोलॉजी में आपके कितने चैप्टर है, 3 चैप्टर है, तो 3 चैप्टर आपकी इकोलॉजी में, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, 3, 13 टोटल साल में आपको 13 चैप्टर पढ़ने। 2023-24 की अगर बात करें तो आपको पूरा कोर्स जो पढ़ना है वो पढ़ना है, टोटल कितना पढ़ना है, 13 चैप्टर आपको पढ़ना है। एक बात और समझने का प्रयास करेंगे यहां पे कि स्टडी विद प्रदीप की क्या प्लानिंग है, इसको भी समझेंगे, और कब हमारा कोर्स खत्म होगा, कब से क्रैश कोर्स चलेगा और कब से जो है हमारा टेस्ट होगा, इन सब चीजों पर ध्यान दें। पहले अगर हम अप्रैल महीने की बात करते हैं तो अप्रैल महीने में हम लोगों का 2 चैप्टर कंप्लीट होना है, 1 चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन और दूसरा चैप्टर आपका कंप्लीट होगा मानव जनन। ये 2 चैप्टर आपके बड़े चैप्टर हैं, लेकिन ये दोनों चैप्टर, दूसरे चैप्टर का कुछ हिस्सा जो जाएगा वो जाएगा मई में, और मई में हम लोग कितने चैप्टर कवर करने वाले, 2 चैप्टर। जून में भी हम लोग कितने चैप्टर करने वाले, 2 चैप्टर, जून में छुट्टी आपकी नहीं रहेगी। जुलाई की बात करते हैं तो 2 चैप्टर, अगस्त की बात करें तो 2 चैप्टर, और उसके बाद सितंबर की बात करते हैं तो 2 चैप्टर, 3, 3, 6, 12 चैप्टर हो गए, और सितंबर में ही प्लस 1 किया जाएगा, अक्टूबर में ही आपका 2 चैप्टर और है। 2 चैप्टर कहां से आएंगे, चुप पढ़ना तो 13 ही चैप्टर है, तो ये 2 चैप्टर कहां से आएंगे, ये 2 चैप्टर ऐसे चैप्टर आएंगे जो चैप्टर पीछे से किसी का मान लीजिए थोड़ा बहुत बच बच के अगर जा रहा है तो ये अक्टूबर के लास्ट तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा भरोसा है। अब मान लीजिए कि इस बीच में अक्टूबर के बाद बीच बीच में टेस्ट भी होता रहेगा और ये, तो हमारा टारगेट है कि 31 अक्टूबर से लेकर के 31 जनवरी तक, 31 अक्टूबर से लेकर के 31 जनवरी, कल के वीडियो हमने बताया था 30 नवंबर से, लेकिन उसमें हुआ क्या था, अभी हम 16 चैप्टर की बात कर रहे थे, जो 16 चैप्टर, लेकिन जैसे ही सिलेबस आ गया हमारे पास चैप्टर कट गए, और जो 3 चैप्टर हम नवंबर में ले जा रहे थे वो 3 चैप्टर कट करके आपके कहां आ गए, पहले ही खत्म हो गए,
31 अक्टूबर से 31 जनवरी तक हम जो है करने वाले हैं क्रैश कोर्स। और इस क्रैश कोर्स में जो लोग अभी पार्टिसिपेट हो रहे हैं यानी 15 अप्रैल तक, उन लोगों को मिलेगा फ्री में चांस। यह क्रैश कोर्स उन्हें फ्री में मिलेगा, लेकिन जो सितंबर अक्टूबर में आते हैं उन्हें उस क्रैश कोर्स का पैसा पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अभी तो इतना भी देंगे और उसके बाद फिर क्रैश कोर्स का भी वो देंगे। और उसके बाद अगर बात कर लें तो ये 31 जनवरी के बाद कहाँ तक, 15 फरवरी के बाद, फरवरी तक हम लोग करते हैं मॉडल पेपर। इसके अलावा एक चीज और समझिए, इसी बीच में आपको प्रैक्टिकल की बातें भी आपको बताई जाएंगी। इसी बीच में संडे संडे को आपको प्रैक्टिकल की बात बताई जाएंगी, जो आपके डाउट क्लास है वह भी संडे को होंगे। तो ये है पूरा पैटर्न, पूरे पढ़ने की तैयारी, पूरी रणनीति। और इस रणनीति तभी सफल हो सकती जब आपका साथ होगा। सारा कार्य आपके लिए किया जा रहा है, बस आपके साथ और सपोर्ट की आवश्यकता। जब तक आप इस पे अपना वर्क नहीं करेंगे, आप इसे नोट करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें, जब तक आप इस पे वर्क नहीं करेंगे तब तक ये चीजें आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये आपको अगर इसको लाभ लेना है तो आप इस पे वर्क करिए और इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा, इस बात का पूर्ण भरोसा है। और मुझे जो मेरा टारगेट है वो इस बार की यहाँ पे कम से कम इस बार चैनल से कम इतने, हमारा मानना है कि कम से कम 500 प्लस स्टूडेंट ऐसे हों जिनके बायोलॉजी में 70 से 70 नंबर हो, 70 में 70 होने चाहिए। बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, सिर्फ बायोलॉजी सब्जेक्ट में 70 में 70 हो, और एक दो स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे, 500 प्लस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको जोड़ना होगा, उन्हें जोड़िए, अपने भी पढ़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए। फिर मिलते हैं 4 अप्रैल को। आज आपका 1 अप्रैल है, आज आपका सिलेबस डिस्कशन था, 4 अप्रैल को आपकी पहली क्लास मिल जाएगी और फिर इसके बाद लगातार आपकी क्लास चलती रहेगी। उस क्लास में आपको एंजॉय करना है, जुड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है और उसका लाभ लेते रहना है। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय।